आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, वेलकम टू डाउटनेट। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, एंड चारों ऑप्शन फिक्शन चैप्टर से रिलेटेड है, ओके। एंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके। सो लेट्स गो थ्रू ईच एंड एवरी ऑप्शन वन बाई वन। द फर्स्ट ऑप्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से ज्यादा नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में कुछ इस तरह का रिलेशन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम लिमिट होता है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स का मैक्सिमम लिमिट, वो काइनेटिक फ्रिक्शन के फोर्स के मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा होता है, ओके, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो हमेशा ही काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो जीरो से एफ एस मैक्स के बीच में वेरी करता है, ओके। एंड जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसका एक फोर्स काइनेटिक जो होता है उसका एक फिक्स्ड नॉन जीरो वैल्यू होता है, ओके। सो कुछ कंडीशंस में काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट इज फ्रिक्शन कैन नॉट एक्सेलरेट ए बॉडी इन ग्राउंड फ्रेम। ये भी एक गलत ऑप्शन है। कैसे? एक एग्जाम्पल से करते हैं। अगर हम साइकिल चला रहे हैं, साइकिल, ओके, तो साइकिलिंग के केस में क्या होता है, जब हमने यहाँ पे पैडल लगाया, ओके, तो पैडल लगाया तो चेन के थ्रू टॉर्क ट्रांसमिट हुआ सॉकेट में। हमारे टॉर्क की वजह से पहिया ऐसे घूमता है, जो रियर व्हील होता है, ठीक है। ये रियर व्हील को इधर कंसिडर करते हैं, ऐसा कुछ व्हील है, ओके, एंड ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो व्हील जो है ऐसे घूम रहा है हमारे फोर्स लगाने की वजह से, ठीक, हमारे टॉर्क की वजह से व्हील ऐसे घूमा, और व्हील क्या करेगा कि ग्राउंड पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ओके। सो ग्राउंड क्या करेगा, इस पे व्हील पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, वो जो फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम एक्सेलरेट करना चाहेंगे, ठीक है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है यही एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा ये बाइसिकल को, ठीक। तो बाइसिकल केस में, मोटरसाइकिल के केस में, कार के केस में जब उनका एक्सेलरेशन कराते हैं तो जो फ्रिक्शन लगता है ग्राउंड से वही फ्रिक्शन एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ऑप्शन में बोला हुआ था कि क्या फ्रिक्शन कभी एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करा सकता क्या, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन इज फॉर आइडेंटिकल सरफेस इन कॉन्टैक्ट द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोफिशियंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ओके। सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात किया गया था, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशियंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बात किया गया। कोफिशियंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ है थर्ड ऑप्शन में म्यू एस जो है इज ग्रेटर देन म्यू के, क्या ये हमेशा सही होता है क्या? तो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशियंट होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशियंट से हमेशा लो होता है, एज फार एज वी आर कंसिडरिंग बोथ फ्रिक्शन ऑन सेम सर्फेस, बिटवीन सेम सर्फेस, ओके। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वी विल गो टू द फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन इज फ्रिक्शन इज कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। तो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो फ्रिक्शन फोर्स होता है एक तो वो पैरेलल लगता है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके, एंड फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स भी होता है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी पे ढेर सारे कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे हैं, ओके, एंड वो सारे फोर्सेस सपोज करो कि पैरेलल टू सरफेस भी हैं, तो इनमें इन्हीं फोर्सेस में से कोई फोर्स होगा जो फोर्स का एक कॉम्पोनेंट होगा वो फ्रिक्शन फोर्स भी हो सकता है, ओके। So this is the correct option. So among four, only C and D are the correct options. I hope you got the answer. Thank you. Class 6 to 12 से लेके NEET, IIT, JEE, mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें Doubtnut app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400400400 पर।